ये लो दोस्तों, हम पहुंच गए निष्कलंक महादेव जी के यहाँ। आपको सामने वो ध्वज फहरते हुए दिखाई दे रहे हो जी। सुबह के टाइम में तो पानी यहाँ तक आ जाता है। अब ये जो देखो पूरा गीला दिख रहा होगा। अब ये ज्वार धीरे धीरे नीचे उतरेगा और 3 बजे का टाइम है। अभी टाइम हो रहा है 2:01। अब इसकी कुछ हिस्ट्री बताते हैं आपको जितना हमें पता है। भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। वो देखो सामने महादेव जी दिख रहा होगा यहाँ से। सामने वो ध्वज फटाका फहरती हुई है। बच्चे देखो अटखेलियाँ कर रहे हैं, नहा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ की कुछ हिस्ट्री बताते हैं। अभी ये 3 किलोमीटर अंदर बताते हैं। यहाँ से तो हो सकता है 1-1.5 किलोमीटर ही हो, लेकिन ये पानी वहाँ तक चला जाता है जहाँ वो दुकानें दिख रही हैं। तो अब मैं आपको इसके बारे में कुछ हिस्ट्री बताता हूँ जो मेरे को याद है। हर भाद्रपद को यहाँ पर मेला लगता है अमावस्या को, जिसे भाद्र भी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि निष्कलंक महादेव जी जो है, ये भावनगर में तो है ही, कहा क्या जाता है, समुद्र से 3 किलोमीटर जो किनारा है उसे 3 किलोमीटर पहले है। जब अब ये सुबह हम आए यहाँ 7:50 पे, लेकिन उस टाइम ज्वार बढ़ना शुरू हो गया था इसलिए अंदर नहीं जा पाए। अब ये ज्वार धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर वहाँ तक जाने का रास्ता हो जाएगा। अब यहाँ पर पैदल ही जाना पड़ता है, कोई बोट या नाव की सुविधा नहीं है। अब यहाँ कहा जाता है कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, ये नज़ारे देखते रहिए और इसकी कहानी सुनते रहिए, वहाँ अंदर चल के दर्शन करवाएंगे। तो कहा जाता है कि जब पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के समाप्ति के बाद में पांडवों को ग्लानि हुई, प्रायश्चित हुआ कि हमने अपने ही सगे संबंधियों को मौत के घाट उतार दिया, मार दिया, तो उसका हमें ज़रूर पाप लगा होगा। और वो प्रायश्चित करते हुए भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण जी उन्हें पाप मुक्त होने के लिए एक गाय, काली गाय और एक काली पताका देते हैं कि इसका अनुसरण कीजिए, और जहाँ ये दोनों सफ़ेद हो जाएं वहाँ समझ लेना कि आपको अपने पापों से मुक्ति मिल चुकी है। वे उसका अनुसरण करते रहे और जैसे ही वे कोलियाक तट, इस जगह का नाम है कोलियाक और ये तट है कोलियाक का, जैसे ही वो कोलियाक तट यहाँ पर पहुँचे तो गाय और ध्वज है दोनों सफ़ेद हो गए। और भगवान कृष्ण जी ने एक बात और कही थी कि जहाँ ये सफ़ेद हो जाएं तो वहाँ पर आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, पूजा करनी है। पांचों ने भगवान शिव की पूजा की और तपस्या से खुश होकर भगवान शिव उनको दर्शन देते हैं शिवलिंग के रूप में, 5 शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं कोलियाक तट के ऊपर। वहाँ पर 5ों शिवलिंग भी है, वहाँ चल के हम देखेंगे। यहाँ वहाँ एक छोटा सा तालाब बताते हैं उस मंदिर के ऊपर, चबूतरे के ऊपर, वहाँ पहले हाथ पांव धो के फिर उसके बाद में अंदर जाते हैं। अब भादवे को जो मेला लगता है भाद्रवी कहते हैं। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अपने किसी प्रियजन की राख से यदि यहाँ पर भगवान शिव को चढ़ाए जाएँ, तिलक लगा के या चढ़ा के फिर इस समुद्र में उनको विसर्जित किया जाए, तो उनको सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष मिल जाता है। एक चीज़ और कि यहाँ जो पताका फहर रही है, यह आश्चर्य की बात है कि यहाँ के जो राजा, भावनगर के जो राजा हैं, उनके जो वंशज हैं, वो हर भाद्रवी को यहाँ पर उनके द्वारा पताका फहराई जाती है और ये पूरे साल फहराई जाती है, फहरती रहती है, फहराई क्या जाती है, एक से बार फहराई जाती है। इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता पूरे साल भर और अगले मेले तक यही चलेगी। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो 2001 में एक बहुत भयंकर भूकंप आया था, 50,000 लोग मारे गए थे, लेकिन इस पताका, इस मंदिर, इस ध्वज को और यहाँ पर जो सामने पोल एक खंभा दिख रहा है वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ उनको। तो ये वंडर ऑफ नेचर ही है, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। और भगवान भोलेनाथ के अंदर यदि आपकी आस्था है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यही है इसमें मुख्य रूप से तो इसकी कहानी। बाकी अंदर चल के देखते हैं कि क्या और है उसमें और वहाँ के आपको दर्शन करवाते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं सीधे आपको, जैसे ज्वार कम होगा तो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एडवेंचर MLG यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक देखी पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री कि क्या आस्था है
और क्यों ये भगवान महादेव जी का मंदिर यहाँ पर समुद्र के अंदर बना हुआ है। अब सुबह जब हम आए, जो पूरी कहानी आपको बता दी है पहले ही वीडियो में, अब देखो हम समुद्र के अंदर से चल रहे हैं। वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ रहा है कि बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारे ऐसे कोलाहल हो रहा था, तो अब लगभग लगभग कमर तक पानी है। हालांकि ये आधे घंटे हम और रुकते तो पानी और नीचे हो जाता, लेकिन सभी भक्तों की आस्था है और लोगों किसी सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो सभी लोग जा रहे हैं तो हम भी निकल लिए। देखो लगभग कमर तक पानी आ रहा है और सब लोग ही जा रहे हैं। बाद में हो सकता है थोड़ी भीड़ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ा कोलाहल भी ज़्यादा रहेगा और मंदिर पे बहुत सारी जगह भी नहीं बताते हैं। तो अभी हम सीधे चलते हैं महादेव जी के मंदिर में और वहाँ पर चल के आपको चारों तरफ के अरब सागर के नज़ारे भी दिखाएंगे और भगवान महादेव जी का, जो निष्कलंक महादेव जी, क्योंकि यहाँ पर पांडवों को अपने कलंक जो मान रहे थे कि हमें पाप लगा है, तो उन्हें इस कलंक से मुक्ति मिली थी, इसलिए यहाँ पर इनका नाम निष्कलंक महादेव जी पड़ा। और भाई बहुत ही खूबसूरत जगह है और एक आश्चर्य भी है कि 3 किलोमीटर, अब 3 किलोमीटर नहीं भी होगा, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जब समुद्र में पानी रहता होगा उस टाइम की बात होगी 3 किलोमीटर, लेकिन लगभग 1.5 और 2 किलोमीटर अंदर तो है। जहाँ मैं सुबह देखा था पानी, उससे लेकर और मंदिर तक 2 किलोमीटर के आसपास तो है, 1.5 से कम नहीं है और 2 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 1.5 और 2 के बीच में तो है ही है कन्फर्म। ऊपर घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, नज़ारा बहुत ही शानदार और बहुत ही मनमोहक, बहुत ही देखने लायक होता है। तो अभी सीधे चलते हैं हम मंदिर के पास और वहाँ चल के आपको मंदिर से रूबरू करवाते हैं, मंदिर के दर्शन करवाते हैं, चारों तरफ अरब सागर के नज़ारे दिखाते हैं। तो हम पहुँच गए हैं महादेव जी के मंदिर के पास और ये देखो ध्वज पताका फहर रही है और चारों तरफ अरब सागर है। अब एक तरफ तो पानी कम है, लेकिन एक तरफ दूर तक कहीं किनारा नहीं दिख रहा है, जो आपको पता ही होगा कि अरब सागर बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा सागर है और ये तट से लगभग 2 किलोमीटर, अभी 3 किलोमीटर हिस्ट्री में बताया गया है, तो 3 किलोमीटर होगा भी, जैसे पानी ज़्यादा होता होगा वहाँ से। तो ये बहुत सारे पर्यटक मान लीजिए, आस्था जिनकी है वो मान लीजिए, देखने के लिए यहाँ पर बहुत से लोग आते रहते हैं। आपको भी कभी मौका मिले भावनगर के आसपास, कभी आते हो तो भावनगर से 50 किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ पर एक बार आके ज़रूर दर्शन करें। बहुत ही वंडर ऑफ नेचर है यार, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। और बच्चों के साथ आ रहे हो तो ज़रूर आएं, लेकिन पानी उतरने का इंतज़ार करें। और ज्वार का टाइम बिल्कुल लाइव रहता है, आप देख सकते हैं, निष्कलंक महादेव जी के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से आएँ। जैसे सुबह का टाइम है तो थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें कि जब ज्वार बढ़ता है उससे थोड़ा जल्दी, शाम को जब ज्वार कम होता है तो उस टाइम आ जाइए और ज्वार उतरने का इंतज़ार कीजिए। यहाँ पर कुंड में बच्चे ठेलियाँ कर रहे हैं, छोटा सा कुंड बनाया है, ये चारों तरफ पर्यटक ही पर्यटक हैं। तो अभी आप देख रहे हैं निष्कलंक महादेव जी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बहुत ही अद्भुत, और इसके बाद में जो वीडियो आएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे गुजरात राइड के, जो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं। वीडियो आने में लेट इसलिए हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, मोबाइल जो गोप्रो अपन ने नया लिया था उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, फिर कुछ एप्लीकेशन डाले उसके बाद में इनको एडिट किया है। तो ये देखिए ध्वज पताका, सामने शिवलिंग, एक लोहे की धातु का बना हुआ पोल है, स्तंभ है। तो साथियों कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो के बारे में बताएं कि आपको यह जो दर्शनीय स्थल है, यह जो धार्मिक स्थल है, जो महादेव जी का मंदिर है, जो पूरी हिस्ट्री है इसकी, इस तरह से पूरा जो वीडियो है ये कैसा लगा। अरब सागर किनारा यानी भारत का तो एक अंतिम छोर है एक तरह से, इस साइड में देखा जाए तो। हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, इतने शानदार शानदार आपको नज़ारे दिखा रहे हैं। यदि अभी तक भी आपने चैनल पे आप नए हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही यात्रा के वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। देखो एक स्वान है, कुत्ता जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आया है, किसी यात्री के साथ आया होगा। और ये आश्चर्य की बात है कि कमर तक के पानी में कुत्ता कैसे आ गया, शायद इससे भी तैरना आता होगा। तो
आज जो वीडियो है ये निष्कलंक महादेव जी का है, आपने देख लिया है। अगले जो वीडियो होंगे वो बहुत ही शानदार होंगे, भावनगर के आसपास के जितने भी जगह हैं। उसके बाद हम सोमनाथ जी जाएंगे, द्वारकाधीश, भेड़ द्वारिका। तो एक बार अरब सागर के और निष्कलंक महादेव जी का व्यू और दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ से, और उसके बाद में चलते हैं सीधे भावनगर और अगले वीडियो की करते हैं तैयारी। भावनगर के पास भी बहुत सारी जगह, भावनगर शहर में ही बहुत सारी जगह हैं, उनको आज हम शूट करेंगे और उसका वीडियो अगला होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आज का? भाई इस वीडियो के लिए बहुत ही दूर से मेहनत करनी पड़ी है, और महादेव जी के लिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको महादेव जी के दर्शन। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव। जय हिंद, वंदे मातरम। अरब सागर में खड़े होकर।